नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सीबीसी के अपने लेक्चर सीरीज में। आज एक अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज का विषय है सूट बाय इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन मीन, इसको हिंदी में अकिंचन व्यक्ति कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक निश्चित मात्रा का पैसा नहीं है, उसे हम अकिंचन व्यक्ति कहते हैं, इंडिजेंट पर्सन कहते हैं। वो व्यक्ति कैसे मुकदमा दायर करेगा, इस सारी विधि व्यवस्था को ऑर्डर नंबर 33 में बताया गया है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर इंडिजेंट पर्सन होता कौन है। इंडिजेंट पर्सन अगर केस फाइल करना चाहता है, सूट लेके आना चाहता है, तो उसे पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो परमिशन जो ग्रांट करने के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, उसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। एप्लीकेशन जब लेकर वो इंडिजेंट पर्सन कोर्ट के सामने आएगा, तो क्या कोर्ट सीधे सीधे अनुमति देगी या उसमें कोई इंक्वायरी करेगी। कोर्ट की इंक्वायरी के बाद क्या रिजल्ट आएंगे, दो ही परिणाम होंगे, या तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी या एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ग्राउंड क्या होंगे रिजेक्शन के, ये देखेंगे। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई, फिर क्या प्रोसेस चलेगा, ये चीज विधि व्यवस्था आएगी। अगर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, तब उस व्यक्ति के अधिकारों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जो एप्लीकेशन लेकर उपस्थित हुआ था। क्या एक बार कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दी तो ये पूरे मुकदमे के दौरान चलती रहेगी अनकंडीशनल तरीके से, या कुछ ऐसी भी सर्कमस्टांसेस होंगी जिसमें दी गई परमिशन वापस कर ली जाएगी, रिवोकेट कर लिया जाएगा। फिर अगर प्लांटिफ सक्सीड कर जाता है मुकदमे में, तो क्या मुकदमा जीतने के बाद प्लांटिफ के ऊपर कोई लायबिलिटी होगी। और वहीं दूसरी ओर अगर प्लांटिफ मुकदमा हार जाता है, या प्लांटिफ की गलती के कारण, या प्लांटिफ के अबेट कर जाने के कारण, कॉम्प्रोमाइज कर जाने के कारण डिसमिसल हो जाती है सूट की, उनकी गलती के कारण डिसमिसल हो जाती है या अबेट हो जाता है सूट, उस समय क्या उनकी लायबिलिटी होगी, इस बात की विवेचना आएगी। इसके बाद जहां पर क्या ऐसा इंडिजेंट पर्सन अपील भी फाइल कर सकेगा, जो ऑर्डर 44 में बताया गया है। सामान्यतः जब एक व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन होता है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्लेंट लेकर के उपस्थित होता है। ऑर्डर 7 में मैंने आपके सामने बताया था कि प्लेंट के रिजेक्शन का एक ग्राउंड बनता है कि जब पर्याप्त कोर्ट फीस जमा नहीं की गई है। अगर पर्याप्त कोर्ट फीस जमा नहीं की गई है, तो ऐसा प्लेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक इंडिजेंट पर्सन जो जिसके पास इतनी पर्याप्त मीन्स अवेलेबल नहीं है, तब वो व्यक्ति कोर्ट ऑफ लॉ के सामने अपना प्लेंट लेकर उपस्थित होगा। पहला प्रश्न उठता है कि किस व्यक्ति को हम कहें कि वो इंडिजेंट पर्सन है। ऑर्डर 33 रूल 1 इस बात को एक्सप्लेन करता है। ऑर्डर 33 रूल 1 में 3 एक्सप्लेनेशंस हैं, जिनको अगर विवेचित करें तो यह बात निकल के आएगी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास इतने पर्याप्त मीन्स अवेलेबल नहीं है कि वो उस सूट के लिए प्रेस्क्राइब की गई कोर्ट फीस जमा कर सके, और जहां पर ऐसी कोई कोर्ट फीस प्रेस्क्राइब नहीं की गई है, वहां उस व्यक्ति के पास यदि मूवेबल और इमूवेबल सारी प्रॉपर्टी उसकी मिला लें, तो भी उसकी वैल्यूएशन 1000 रुपए से कम की है, मतलब 1000 या 1000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि वो व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 रूल 1 का ये कहता है कि कोई व्यक्ति जिसने एप्लीकेशन दी है कोर्ट के सामने कि वो इंडिजेंट पर्सन है, तब यहां पर एप्लीकेशन देने की डेट से कोर्ट के फाइनल करने की डेट के बीच में
भी अगर प्रॉपर्टी उस आदमी के पास आती है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को भी हम काउंट करेंगे ये देखने के लिए कि वो व्यक्ति इंडिजेंट है या नहीं है। इसका अर्थ है कि मान लेते हैं कि आज 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल को मिस्टर एक्स इंडिजेंट पर्सन के रूप में एप्लीकेशन लेके कोर्ट ऑफ लॉ के सामने खड़े होते हैं और इस एप्लीकेशन का निपटारा 10 मई 2020 को कोर्ट करती है। तो अगर 27 अप्रैल 2020 से लेकर 10 मई 2020 के बीच में भी कोई प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स के पास आती है, मिस्टर एक्स के कस्टडी में आती है, उनकी ओनरशिप में आती है, जिसकी वैल्यूएशन 1000 रुपए से ज्यादा की है, तो अब मिस्टर एक्स इंडिजेंट पर्सन नहीं माने जाएंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 इस सर्कमस्टांस को एनालाइज करता है कि जहां सामने आ रहा व्यक्ति जो प्लांटिफ के रूप में आ रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति प्लांटिफ के रूप में आ रहा है हम उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, उसके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेंगे। अगर रिप्रेजेंटेटिव जो आ रहा है उसके पास 1000 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है या उसके पास मींस अवेलेबल नहीं है कोर्ट फीस देने के, तो हम उसे इंडिजेंट पर्सन मानेंगे। अब इंडिजेंट व्यक्ति जो इंडिजेंट पर्सन के रूप में कोर्ट में केस फाइल करना चाहता है वो क्या करेगा, उसे सबसे पहले एक एप्लीकेशन देनी होगी कोर्ट ऑफ लॉ में। उस एप्लीकेशन के कंटेंट क्या होंगे, उस एप्लीकेशन के कंटेंट रूल 2 में बताए गए हैं। पहली बात कहता है कि उसे एप्लीकेशन में प्लेंट की सारी शर्तें पूरी करनी होंगी, उसे कॉज ऑफ एक्शन दिखाना पड़ेगा कि किस तरह कॉज ऑफ एक्शन उसके फेवर में है यह बताना पड़ेगा, क्या घटना है इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, क्या रेमेडी डिमांड कर रहे हैं ये पूरी बात कहनी पड़ेगी, जो सारी शर्तें प्लेंट की हैं वो एप्लीकेशन में पूरी होंगी। नंबर सेकेंड, उन्हें अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिस्ट देनी होगी, उस मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी है ये उनको देना होगा। और नंबर थर्ड, जिस तरह से प्लेंट साइन और वेरीफाई होता है उसी तरह से ये एप्लीकेशन भी वो साइन और वेरीफाई करेंगे। एप्लीकेशन लेने के बाद कोर्ट क्या करेगी, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद कोर्ट इंक्वायरी का प्रोसेस स्टार्ट करती है जिसे रूल 1A में स्पष्ट किया गया है। कोर्ट के जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होते हैं, नॉन जुडिशियल जो स्टाफ होते हैं, वो एक इंक्वायरी कर लेते हैं, इंक्वायरी करके वो जज के सामने एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि हां इनकी जो मिस्टर एक्स ने जो अपनी प्रॉपर्टी की लिस्ट दी है सही है, इनके पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वैल्यूएशन टोटल मिला के 1000 रुपए से ज्यादा की बनती है। कोर्ट चाहे, जज चाहे तो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले या वो खुद से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। अब इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट क्या करेगी, इंक्वायरी करने के बाद अगर कोर्ट को यह समाधान हो जाता है कि हां मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर एक्स एक इंडिजेंट पर्सन है, तो इस एप्लीकेशन के फाइल होने की जानकारी वो अपोजिट पार्टी को देंगे जिसके खिलाफ वो मुकदमा करना चाहते हैं मिस्टर एक्स, और यहां पर गवर्नमेंट प्लीडर को भी सूचना दी जाएगी और एक डेट फिक्स करेगी कोर्ट जिस डेट पर मिस्टर एक्स से कहा जाएगा कि आप अपनी ओर से विटनेस, आप अपनी ओर से एविडेंस लेके आए कि आप इंडिजेंट हैं। अपोजिट पार्टी और गवर्नमेंट लीडर के पास भी यह मौका होगा कि वो ऐसे एविडेंस दिखाएं, वो ऐसे व्यक्ति लेकर आए जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि मिस्टर एक्स इंडिजेंट पर्सन नहीं है। अब जो डेट फिक्स की गई है उस पर सारा एविडेंस देखने के बाद अगर कोर्ट यह समाधान कर लेती है कि हां मिस्टर एक्स एक इंडिजेंट पर्सन है तो उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी और इस एप्लीकेशन को ही हम प्लेंट मानते हुए जिस तरह सामान्य सूट चलता है उसी तरह इस इंडिजेंट पर्सन का सूट आगे रन करेगा। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने लायक है कि जिस दिन उन्होंने एप्लीकेशन पहली बार कोर्ट ऑफ लॉ के सामने लाई थी, परमिशन की जो एप्लीकेशन ले आए थे,
उसी दिन से हम ये मान लेंगे परमिशन मिलने के बाद कि उनका केस पेंडिंग हो चुका है, उनका केस स्वीकार किया जा चुका है, एप्लीकेशन की डेट से ही हम इसे मान लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है तब क्या होगा? पहली बात उठती है कि क्या ऐसे कुछ ग्राउंड है जब एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी? तो एप्लीकेशन के रिजेक्शन के 6 ग्राउंड हैं, जिसे रूल 5 में बताया गया है। पहला ग्राउंड, जबकि एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब तरीके से नहीं दी गई है। नंबर सेकंड, जब जो व्यक्ति एप्लीकेंट के रूप में सामने आ रहा है वो इंडिजेंट नहीं है। नंबर थर्ड, जो केस वो लेके आ रहे हैं वो बार्ड बाय लॉ है, कुछ ऐसी रेमेडी वो मांग रहे हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 में पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, इंडियन लॉ के अगेंस्ट में है, तो वो बार्ड बाय लॉ है। नंबर फोर, एप्लीकेशन देने से 2 महीने पहले के डेट के अंदर, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन देने से 2 महीने पहले के डेट के अंदर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी अपनी ट्रांजैक्ट की है और इस इंटेंशन से ट्रांजैक्ट की है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है ताकि वो इंडिजेंट पर्सन के रूप में एप्लीकेशन दे सकें। क्या मतलब? मान लेते हैं कि आज 27 अप्रैल को वो कोई भी व्यक्ति मिस्टर एक्स एप्लीकेशन लेकर के कोर्ट ऑफ लॉ के सामने खड़े हैं कि उन्हें इंडिजेंट माना जाए, उनकी पिटीशन को, उनके इस एप्लीकेशन को, उनके इस सूट को इंडिजेंट पर्सन सूट माना जाए। लेकिन ये बात निकल के आती है एविडेंस में कि 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वाई नाम के व्यक्ति को गिफ्ट कर दी और इसके पीछे का पूरा इंटेंशन ये था कि वो इंडिजेंट पर्सन के रूप में सूट फाइल कर सकें। तब यहां पर उन्हें इंडिजेंट पर्सन नहीं माना जाएगा। नंबर फिफ्थ, पांचवा जो ग्राउंड है रिजेक्शन का, कि इस सब्जेक्ट मैटर में, जो इस सूट का सब्जेक्ट मैटर है, इसमें सिर्फ केस को लाने के लिए, सिर्फ एक मुकदमा, एक विवाद पैदा करने के लिए उन्होंने किसी व्यक्ति से एग्रीमेंट किया हुआ है, यह एक ग्राउंड है। और नंबर सिक्स, इस केस को लाने का जो सब्जेक्ट मैटर है इसमें फाइनेंशियली इंटरेस्ट किसी और व्यक्ति का है और उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यह मुकदमा लाया गया है। तो अगर इसमें से कोई 6 में से एक ग्राउंड पूरा होता है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। रिजेक्ट कर देंगे, इसका क्या इफेक्ट आएगा? इफेक्ट बताया गया है रूल 15 और 15A में। अगर एप्लीकेशन प्लांटी, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है तब मिस्टर एक्स दोबारा इसी इंटेंशन का एप्लीकेशन नहीं ला सकेंगे, उनके ऊपर ये बार लग जाएगा। लेकिन वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह मुकदमा फाइल कर सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मान लेते हैं कि एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होती, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्या होगा? एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का फायदा यह होगा कि उनकी एप्लीकेशन को ही हम प्लेंट मान के आगे चलेंगे, यहां मिस्टर एक्स को यह छूट मिलेगी कि जहां सामान्य मुकदमे में मुकदमा तभी एक्सेप्ट होता है जब कोर्ट फीस का भुगतान आप कर चुके होते हैं, यहां कोर्ट फीस देने से मिस्टर एक्स को छूट मिल जाएगी। मिस्टर एक्स से कोई भी कोर्ट फीस प्लेंट के लेते समय इस एप्लीकेशन के एक्सेप्ट होने पर नहीं मांगी जाएगी, कार्यवाही आगे चलेगी। अब बात उठती है कि क्या एक बार मिस्टर एक्स को हमने इंडिजेंट पर्सन के रूप में मान लिया तो क्या पूरे मुकदमे के दौरान यह परमिशन चलती रहेगी, या कुछ ऐसी भी सर्कमस्टांसेस हैं जिन पर यह दी गई परमिशन विड्रॉ कर ली जाएगी, रिवोकेट कर ली जाएगी? यह रूल 9 में बताया गया है। ऐसे 3 ग्राउंड हैं, ऐसे 3 सर्कमस्टांसेस हैं जब दी गई परमिशन रिवोकेट कर ली जाएगी। नंबर 1, जब वो व्यक्ति जिसे इंडिजेंट के रूप में कोर्ट ने परमिशन दी थी अब इंडिजेंट नहीं रह गया है। नंबर 2, इस केस को लाने के लिए उसने किसी और आदमी से एग्रीमेंट कर रखा है। और नंबर 3,
इस केस का जो सब्जेक्ट मैटर है इसमें किसी और व्यक्ति का इंटरेस्ट है, अगर इसमें से किसी एक ग्राउंड एक सर्कमस्टांस को पूरा हो जाता है तो दी गई परमिशन विड्रॉ कर ली जाएगी, रिवोकेट कर ली जाएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस व्यक्ति को परमिशन दी गई जो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने इंडिजेंट पर्सन के रूप में आता है वो मुकदमा जीत जाता है, सक्सीड कर जाता है मुकदमे में, फिर क्या होगा? इसको रूल 14 बताती है कि जहां पर प्लांटिफ मुकदमा जीत जाएगा मतलब वो डिग्री होल्डर हो जाएगा, तो उस डिग्री के एग्जीक्यूशन में सबसे पहले प्लांटिफ को जो मिलना है वो मिलेगा। प्लांटिफ को जो रेमेडी मिलनी है, जितना उनको कंपनसेशन मिलना है, जितने प्रोविजन है वो मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले कोर्ट की जो कोर्ट फीस है पहले कोर्ट उसको लेगी, उसको वसूलेगी। ये पहले सबसे पहले उस डिग्री पर चार्ज के रूप में कोर्ट की कोर्ट फीस को माना जाएगा। दूसरी ओर अगर प्लांटिफ मुकदमा हार जाता है या प्लांटिफ की गलती के कारण प्लेंट डिसमिस कर दिया जाता है या प्लांटिफ अवेट कर जाता है केस में, प्लांटिफ उस सूट में अवेट कर जाता है, उपशमन कर लेता है दूसरी पार्टी के साथ, तब क्या होगा? यहां इन दोनों सर्कमस्टांसेस में रूल 14 का कहना है कि तब चाहे प्लांटिफ मुकदमा हार जाए या प्लांटिफ की गलती से प्लेंट डिसमिस कर दिया जाए या प्लांटिफ दूसरी पार्टी से अवेट कर ले, इन सारी सर्कमस्टांसेस में प्लांटिफ लायबल होगा कोर्ट फीस का भुगतान करने के लिए। अब वो कोर्ट फीस का भुगतान कैसे करेंगे? उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको अटैच करके, सेल करके, वहां से वो पैसा, वो कोर्ट फीस वसूल की जाएगी। यहां उनको किसी तरीके की कोई छूट नहीं मिलेगी अगर वो हार जाते हैं। हार जाते हैं इसका मतलब ही है कि उनके फेवर में ग्राउंड नहीं बनता था और वो सिर्फ न्यायालय का समय खराब करने के लिए कोर्ट आए थे। तो या तो वो हार जाते हैं या अवेट कर लेते हैं या उनकी प्लेंट डिसमिस हो जाती है, इन सारे कंडीशन में वो प्लांटिफ जो इंडिजेंट के रूप में दिखाई दे रहा था वो बाउंड होगा कोर्ट फीस का भुगतान करने के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं कि जहां पर प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था वहां पर वो व्यक्ति जो इंडिजेंट के रूप में आ रहा था उसके ऊपर ये बार लगेगा रूल 15 में कि वो सेम इंटेंशन की दूसरी एप्लीकेशन नहीं लेके आ पाएगा, लेकिन वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह कोर्ट फीस का भुगतान करके अपना मुकदमा संस्थित कर सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। अब बात उठती है कि क्या वो इंडिजेंट पर्सन अपील भी फाइल कर सकेगा, या कोई व्यक्ति जिसने मुकदमा जब किया था तब वो इंडिजेंट नहीं था, बाद में इंडिजेंट हो गया, तो क्या वो अपील फाइल कर सकेगा? तो उसका भी उत्तर सकारात्मक है। इसे ऑर्डर 44 में बताया गया है। ऐसी दशा में अपीलार्ट कोर्ट एक इंक्वायरी करेगी, लेकिन अगर आप पहले भी इंडिजेंट थे और आप इंडिजेंट पर्सन के रूप में ही अपील करना चाहते हैं तब यहां पर ऑर्डर 44 में दोबारा इंक्वायरी नहीं की जाएगी। इतनी बातें आपके सामने मैंने रखी। ऑर्डर 33 जो कि एक स्पेशल विषय की बात करता है कि अगर सूट इंडिजेंट पर्सन के द्वारा लाया जाए तो चाहे आप BLLB का आंसर लिख रहे हो, लॉ कॉलेज का आंसर लिख रहे हो या मेंस का आंसर लिख रहे हो, अगर आपके उत्तर इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो वो एक कंपोजिट आंसर माना जाएगा। क्या क्या? सबसे पहले इंडिजेंट पर्सन किसे कहते हैं? इंडिजेंट पर्सन जो परमिशन ग्रांट करने के लिए एप्लीकेशन लिखेगा उसकी कंटेंट क्या क्या होगी, एप्लीकेशन लेने के बाद कोर्ट क्या इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करने के बाद रिजेक्शन के ग्राउंड क्या होंगे, रिजेक्ट कर देंगे तो उसके क्या असर होंगे प्लांटिफ के ऊपर, अगर एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं उसका क्या असर होगा, प्लांटिफ को परमिशन ग्रांट कर दी गई क्या कुछ ऐसी भी सर्कमस्टांसेस हैं जब यह परमिशन रिवोकेट कर ली जाए, इसके बाद अगर प्लांटिफ सक्सीड कर जाता है मुकदमे में फिर क्या होगा, अगर प्लांटिफ मुकदमा हार जाता है
या अबेट कर लेता है या प्लेंट डिसमिस कर दिया जाता है, तब कोर्ट फीस का भुगतान कौन करेगा? और फाइनली क्या इंडिजेंट पर्सन अपील भी फाइल कर सकेगा? इन बातों को लेकर अगर आप अपना उत्तर देते हैं तो वो आंसर कंपोजिट माना जाएगा, पूरा माना जाएगा ऑर्डर 33 के हिसाब से। उम्मीद करता हूं कि ऑर्डर 33 सूट बाय इंडिजेंट पर्सन समझाने में आपको सफल रहा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। लॉ के सीबीसी लेक्चर में अगला टॉपिक जो आपके सामने लेकर आएंगे वो होगा सूट बाय माइनर पर्सन। एक अवयस्क आदमी, 18 साल से छोटी उम्र का बच्चा, वो किस तरह से मुकदमा लेके आ सकता है, उसके मुकदमे का क्या प्रोसेस होगा, इन बातों को लेकर अगला लेक्चर केंद्रित होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।